नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में अब चंद घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार भले ही थम गया हो, लेकिन अखिलेश की बेइज्जती थमने का नाम नहीं ले रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर सपा प्रत्याशियों के ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जो सीधे तौर पर अखिलेश की फजीहत कराने का काम कर रही है। आपको याद होगा सपा प्रत्याशी लक्ष्मी धनखड़ का वो वीडियो जिसमें उनसे अखिलेश यादव की स्पेलिंग पूछ ली गई तो वो बगले झांकने लगी। फिर मधुसूदन शर्मा का वो वीडियो भला कौन भूल सकता है जिसमें वो बसपा का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। और लीजिए अब सपा कार्यकर्ताओं का ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है जो अखिलेश और पूरी पार्टी को शर्मसार करने के लिए काफी है। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शेयर करते हुए लिखा, यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए, जहां भरे हों ऐसे मन चले, यूपी क्यों उनके साथ चले। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इतना बवाल मचा है। दरअसल इस वीडियो में कुछ कार्यकर्ता सपा का प्रचार करते नजर आ रही हैं कि इसी बीच एक पुरुष कार्यकर्ता महिला की पीठ पर स्टिकर लगा देता है और फिर उसे छूते हुए आगे निकल जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये छेड़छाड़ नहीं है, महिला भी उन्हीं के साथ है, लेकिन अगर आप महिला को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम से बेहद असहज हो गई है। अनुराग ठाकुर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रही हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, समाजवादी पार्टी के लोग अपने ही महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ करते हैं, समाजवादी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है। एक यूजर ने लिखा, रोजगार तो आज या कल मिल ही जाएगा, लेकिन बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए बीजेपी जरूरी है। एक यूजर ने तो अनुराग ठाकुर को ही लताड़ दिया और लिखा, आप मंत्री हैं कि मूर्ख हैं, सत्ता में हैं तो कार्रवाई कीजिए ना, ट्वीट करने से क्या होगा, अगर आपको दिख रहा है गलत हुआ है तो पुलिस बुलाकर पकड़वाया क्यों नहीं, आप तो योगी सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। जब योगी राज में विपक्ष इतना मन चढ़ा है तो सत्ता पक्ष क्या करता होगा। आप एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखिए और आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बहुत बढ़िया।